नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर एक बार स्वागत है एक और महत्वपूर्ण आयुर्वेदिक जानकारी के साथ। आज का हमारा टॉपिक है सफ़ेद दांतों के लिए घर पर ही बनाएं चारकोल टूथपेस्ट। जी हाँ, क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि आप अपने टूथपेस्ट के बारे में कितना सोचते हैं? हमें केवल दांतों को साफ करने के लिए एक पेस्ट चाहिए होता है, जो चाहे फ़ायदेमंद हो या नहीं, आपके दांतों को स्वस्थ रखें या नहीं। लेकिन हम इन बातों की परवाह नहीं करते, हम केवल टूथपेस्ट की खुशबू या उसके स्वाद के बारे में अधिक चिंता करते हैं, ना कि उसके फायदों के बारे में। आपका टूथपेस्ट आपके दांतों को स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, और सही टूथपेस्ट चुनना बहुत ज़रूरी है। अगर आप दांतों को स्वस्थ और साफ रखना चाहते हैं, तो आप चारकोल से बना टूथपेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आप एक्टिवेटेड चारकोल का इस्तेमाल करना होता है। आइए जानते हैं आप चारकोल से टूथपेस्ट कैसे बना सकते हैं। अगर आप एक्टिवेटेड चारकोल टूथपेस्ट बनाना चाहते हैं, तो आपको थोड़ा एक्टिवेटेड चारकोल पाउडर चाहिए होगा। इसके साथ ही आपको शुद्ध नारियल तेल, इसके अलावा आपको अंडे के छिलके के पाउडर का एक पैकेट भी जरूरी होगा। इसके लिए आप घर पर ही आसानी से चारकोल टूथपेस्ट बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए एक बाउल में आधा कप चम्मच एक्टिवेटेड चारकोल लेकर इसमें एक चम्मच अंडे के छिलके का पाउडर मिला लें। साथ ही इसमें नारियल तेल भी मिला लें। इसे प्लास्टिक की चम्मच से मिला लें। इसे तब तक मिलाएं जब तक कि ये एक गाढ़ा पेस्ट न बन जाए। अब आपका एक्टिवेटेड चारकोल टूथपेस्ट बनकर तैयार है। इसके इस्तेमाल करने की विधि भी हम आपको बता देते हैं। इस पेस्ट का प्रयोग करते समय इस बात का ख्याल रखें कि आपको ये निगलना नहीं है। अपना टूथब्रश लें और इसका एक्टिवेटेड चारकोल पेस्ट की थोड़ी मात्रा उस पर लगा लें। उसके बाद सामान्य तरीके से अपने दांतों को ब्रश करें। इसके बाद गुनगुने पानी से कुल्ला कर लें। आप इस पेस्ट को दिन में 2 बार प्रयोग कर सकते हैं, जिससे आपके पीलेपन की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी और आपके दांत बिल्कुल सफ़ेद मोती के जैसे दिखने लगेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये थी आज की जानकारी, जिससे आप अपने पीले हुए दांतों को सही और साफ कर सकते हैं। आप आने वाली और भी महत्वपूर्ण जानकारियों से हमसे जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।